बाप रे, आप लोगों को सड़क पर उतरना होगा। पूरा पूरा सड़क शुरू कर रहे हैं, बस आप लोगों को प्रोटेस्ट चाहिए, बस बात आप लोग बताइए। हम तो बात कर रहे हैं, मीडिया कहीं दिख रही है आपको? अरे मीडिया आपको और समझा रहे, चलो भाई चल। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ प्रोटेस्टर्स ही प्रोटेस्टर्स हैं, काफी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं देखिए। और ये नागरिकता संशोधन बिल जो है, जो सीए भी है उसको लेकर, और आपकी आवाज को बंद करेंगे, आपकी आवाज को बंद करेंगे, आप मुल्क के अंदर हमेशा बंटवारे की मुखालफत की, उनको विरोध किया था और अपनी मर्जी, अपनी खुशी और अपनी धरती जाना यहाँ की जमीन। मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का भारत बचाओ रैली है, और उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। जंतर मंतर पर देखिएगा काफ़ी संख्या में जो है वो जवान डिप्लॉय किए गए हैं, और कल उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं। तो एक मैसिव रैली है जिसको कांग्रेस ने डिप्लॉय किया था, लेकिन आज नागरिकता संशोधन बिल वापस लो इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और धरना प्रदर्शन जारी है। कल मदनी साहब का ये प्रोटेस्ट है और देश भर के जो मुसलमान हैं वो आए हुए हैं मुसल, और कल कांग्रेस ने एक रैली कॉल किया है देश बचाओ संविधान बचाओ। आज देश भर के मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन देखे मैसिव प्रोटेस्ट है। तो बड़ा प्रोटेस्ट है, बड़ा प्रदर्शन है ये, और जो सीए भी है उसको लेकर मुस्लिम समाज में खासकर बहुत डर है। एनआरसी में SC ST OBC सब लोग चपेट में आ रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए चाहिए।
घोषित नहीं होने देंगे। दूसरा जिन्ना नहीं चाहिए, दूसरा जिन्ना नहीं चाहिए, हिंदू तालिबान नहीं चाहिए, हिंदू तालिबान नहीं चाहिए, हिंदू तालिबान नहीं चाहिए। सीएबी को वापस लाओ, सीएबी को वापस लाओ, सीएबी को वापस लाओ, सीएबी को वापस लाओ, सीएबी को वापस लाओ। आज ही बोल रही मोदी जी के पास नहीं आया मुझे बोलता, सीएबी को वापस लाओ, सीएबी को वापस लाओ। मैसिव रैली है, काफी संख्या में लोग हैं और अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है, तेज भी नहीं हुई अभी, अभी शुरू भी नहीं हुई है। देखिए ये क्या है, संगठन कौन सा है, मदनी जी का है, जमीयत उलमाए हिंद है, मौलाना महमूद मदनी। अच्छा, इसलिए भी तो लेकर प्रोटेस्ट है मौलाना मदनी और जमीयत उलमाए हिंद का एक प्रोटेस्ट है, और धर्मगुरु जो है मौलाना वो भी प्रोटेस्ट के खिलाफ उतर गए हैं। एक बड़ा प्रोटेस्ट है जिसकी तस्वीर आपको, मैसिव प्रोटेस्ट है, बड़ी तस्वीर है, और जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग हैं, काफी संख्या में लोग हैं जो जंतर मंतर पड़ा है। तस्वीरें दिखा रहा हूं, ऐसे लगता है जैसे पूरा जत्था उतर गया है, एक मैसिव प्रोटेस्ट है, बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से आए भैया? मैं असम से हूँ। असम से है, क्या स्थिति है असम में? असम में हालत बहुत खराब है, जैसे कि परसों सीएबी पास हुआ, पास जैसे कि हर लोग घर से निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं रास्ते पे, तो इसलिए किया गया, बीजेपी गवर्नमेंट ने इंटरनेट जो कनेक्शन है कनेक्शन का बंद कर दिया, ताकि लोग प्रोटेस्ट करके सोशल मीडिया में अपडेट ना दे पाए। तो इसके लिए मुसलमान सर को पढ़े या हिंदू भी सर को पढ़े वहाँ? नहीं, असम में मुसलमान भी है, हिंदू है, क्योंकि हिंदू भी है, क्योंकि असम में इसलिए हिंदू लोग आ रहे हैं क्योंकि असम में अगर सीएबी आएंगे, असम में जैसे कि सीएबी लागू किया तो बांग्लादेश से हिंदू बांग्लादेशी 1.90 करोड़ हिंदू बांग्लादेशी असम में आ जाएंगे। आने से एक तो मुसलमान लोगों को भी इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा असम का जो रियल इंडिजिनस पीपल है, असमीज लोग है, असम का जो कल्चर, असम का लैंग्वेज, हर चीज खत्म हो जाएगा। असम में असमिया नेशन वर्ल्ड का मैप से हट जाएंगे, तो हम लोग असमिया लोग कैब नहीं मानते हैं हर हालात में। जैसे कि मैं असम मियां परिषद का सेंट्रल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग ऑलरेडी काल में सुप्रीम कोर्ट में गया था, थे ना मोदी अमित शाह को, असम में तो बीजेपी की सरकार है। हाँ, बीजेपी का सरकार है हम लोग। चलिए ठीक है, असम की स्थिति बता रहा हूँ, असम से है और एक मैसिव रैली है, बड़ी रैली है, काफी संख्या में लोग आए हैं, अफरा तफरी का माहौल है, काफी संख्या में और सोशल मीडिया पर आपको सब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ लोग दिख रहे हैं, पूरे जंतर मंतर को पैक कर दिया गया है, चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और ये देखिए, हाल के दिनों में इस तरह से जंतर मंतर पर आपको धरना नहीं दिखा होगा, तो चारों तरफ से लोग ही लोग हैं, पूरा प्रोटेस्ट कर दिया गया है, प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। और एक छोटे से कॉल पे सोचिए 25-30 करोड़ आबादी मुसलमानों के इस देश में, और किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। अगर ये का विश्वास जाता है, इस तरह को उनको मैसेज जाता है कि उनके लिए सरकार कानून बना रही है उनके खिलाफ, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और देखिए कि किस तरह से जब मौलाना धर्मगुरु अगर प्रोटेस्ट में करते हैं, 25-30 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, पुलिस का इंतजाम किया गया है, ठीक ठाक डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा बलों का, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस भी उतनी संख्या में डिप्लॉय किया गया है। और अभी तो ये जिस तरह से पूरे असम में जिस तरह से जल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में स्थिति खराब है। और ये देखिए बहुत मुश्किल होगी इस तरह से बातें आप तक पहुँचाना, तस्वीरें पहुँचाना, तो ये तस्वीरें पहुँचा रहा हूँ। देखिए किस तरह से लाखों लोग, हजारों लोग जो है सर को पढ़ाए। कहाँ से हैं भैया? न्यू दिल्ली से ही है। अभी न्यू दिल्ली के आसपास कई लोग हैं, तो क्या डर लगने लगा आप लोगों को?
सरकार से डर लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या बिल? हमें क्यों डर लगेगा भाई सरकार से? डर इसलिए लग रहा है, बिल से डर लग रहा है ना? बिल ये भेदभाव फैला रहा है, बिल ये भेदभाव फैला रहा है मुसलमानों को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से। बिल से डर क्यों रहेगा? जब आपका राफेल का फाइल होता है 1918 में गायब हुआ था, 51 का बिल आए ढूंढ रहे हैं, उस टाइम में पानी का जमाना था, घर में छप्पर था, सलाद में किसी का बैग। आपको क्या लगता है सिर्फ मुसलमान ही इसके चपेट में आएंगे? नहीं नहीं, सारे आएंगे चपेट में, तो सारे आएंगे। जो यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तानी, उनकी नौकरियां तो पूरी नहीं हो रही, दूसरों को तुम और नागरिकता दे के तो ज्यादा डर सीएबी से है या एनआरसी से? नहीं है ज्यादा डर किसी से नहीं है हम लोग को। ये सरकार जो है, सरकार जो चाल जो चल रही है, नहीं सरकार जो चाल चल रही है ना, उनका सीएबी बिल जो उसका लाओ कहाँ से लाएगा आदमी? किसी के पास है? आपके पास है कि आपका डॉक्यूमेंट 51 का जो मांगने लगे? अभी 18 में जो राफेल की फाइलें गायब होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जहाँ रखी, वो फाइल गायब है और हम लोग जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये एक महीने का नहीं होता सर, सैलाबी एरिया में गायब होती है। देखिए युवा जो है वो काफी उग्र हो रहे हैं, नाराज हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएबी के खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।